नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दोस्तों, असुरों का संहार व नाश का पर्व नवरात्रि मनाने के पीछे बहुत सी रोचक कथाएं प्रचलित हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि उन्हें कोई पुरुष जानवर और उनके शस्त्र मार ना सके। वरदान मिलते ही असुर अत्याचार करने लगे। तब देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान का भेद बताते हुए कहा कि असुरों का नाश अब स्त्री शक्ति ही कर सकती है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवों ने 9 दिनों तक माँ पार्वती को प्रसन्न किया और उनको असुरों के संहार का वचन लिया। असुरों के संहार के लिए देवी ने रौद्र रूप धारण किया था, इसलिए श्रादीय नवरात्र शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। लगभग इसी तरह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नेमी तिथि तक देवों के आह्वान पर असुरों के संहार के लिए माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप उत्पन्न किए। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। इसके बाद देवी ने असुरों का अंत किया। ये संपूर्ण घटनाक्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों तक घटित हुआ, इसलिए चैत्र नवरात्र मनाए जाते हैं। इसके अलावा 9 एक पूर्ण संख्या है, जिसके बारे में वीडियो है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में बताया गया है कि नवरात्रि आखिर 9 दिन के ही क्यों मनाते हैं। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी सबको सुख करें।